हेलो स्टूडेंट्स, एट्थ कक्षा। तो पहले आपको मैंने पढ़ाया था श्लोक संख्या एक, पाठ एक, स्वाशितानी। तो उसमें आपका पहला श्लोक था गुणा गुणगेशु गुणा भवंती, ठीक है। तो आज हम दूसरा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीना, तृणम न खाद नपी जीव माना, तद भाग दियम परमम पशुना। संस्कृत भी पढ़ने आने चाहिए आपको बच्चों। साहित्य संगीत कला विहीना, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीना, तृणम न खाद नपि जीव माना, तद भाग दियम परमम पशुना। बोलता है कि साहित्य संगीत या अन्य प्रकार की कला को ना जानने वाला, विहीना का मतलब ना जानने वाला, साक्षात पशु पूछ विषाण हीना, बोलता है कि बिना पूछ और सींग के वो साक्षात पशु ही होता है। तृणम ना खाद न पी जीव माना, वह घास नहीं खाता है। तृणम ना खाद न पी, वह घास नहीं खाता है। जीव माना, परंतु वे जीवित रहता है। तद भाग देयम परमम पशु नाम, पशुओं के लिए ये परम सौभाग्य की बात है। एक बार फिर से, साहित्य संगीत कला विहीना, बहीना का मतलब ना जानने वाला, साहित्य संगीत या अन्य प्रकार की कला को ना जानने वाला, साक्षात पशु पुछ विषाण हीना, बिना पूछ और सींग के साक्षात पशु ही होता है। तृणम ना खाद न पी जीव माना, वह घास नहीं खाता है फिर भी जीवित रहता है। तद भाग देयम परमम पशु नाम, ये पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। तो ये सरलार्थ है, ये संस्कृत में श्लोक है, नीचे हिंदी है। तो आपने इसको लिखना है और साथ में इसको याद भी करना है। आज के लिए श्लोक संख्या दो ही